एक दिल है और कितने गम है, टूटे हुए अंदर से हम हैं, किससे पूछे कौन बताए, वक्त ने तोड़े क्यों ये सितम है, एक पल कहीं लाइबा, बेटा जल्दी ले आओ नाश्ता। ये अच्छा किया तुमने तैयार कर लिया, वरना अभी आएगी और कहेगी मैं जा रही हूँ। वो अब मैं निकल रही हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इधर आओ, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाओ। मम्मी नई ट्यूशन है, पहला दिन है, आपको पता है देर हो गई, सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। रश्मिया बेटा कोई बात नहीं, 5 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली पेट जाना अच्छी बात नहीं मेरा बच्चा। गरम चाय है और वो मजाजी खुदा चले गए आपके? हाँ वो तो फजर की नमाज के बाद ही चले गए थे। चलो भाई कम से कम अब 2 दिन तो सुकून का होगा। रश्मिया अच्छा अच्छा मैं जा रही हूँ, मम्मी इतनी गर्म है और पूरे खानदान के आपने टोस्ट सामने रखे, मैं ना जा रही हूँ। अच्छा बात सुनो बेटा, मेरे ब्लड प्रेशर की दवाएं ख़त्म हो गई हैं, 2 दिन से तुम्हारे अब्बू से कह रही हूँ लेकिन वो भूल जाते हैं, वापसी में लेती है आना। भूल नहीं रहे होंगे, लाना ही नहीं चाहते। घर वालों के लिए पैसे खर्च किए हैं कभी उन्होंने? आइंदा से आप अपनी दवाई का मुझे कहेंगे, आपने वैसे भी सुबह सुबह खानी होती है अम्मी दवाई। अरे बेटा तुम शाम में ले आओगी ना तो मैं सुबह से शुरू कर दूँगी। जी नहीं, लाइबा तो मेरे साथ चलो, वहीं से दवाई खरीदते मैं आगे निकल जाऊंगी, तो मम्मी के साथ दवाई ले आना, और अम्मी आइंदा आपकी दवाई में कोई गैप नहीं आना चाहिए। बेटा 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम्हें देर नहीं हो रही। अब ऐसे जरूरी काम के लिए थोड़ी बहुत देर होगी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, और लाइबा तुम बस दवाई लेके आओ। अल्लाह मेरे बच्चों को खुश रखे। अबे मैं तुझसे कह रहा हूँ, तुझसे सुनती नहीं है, कैसे निकल गई तू घर से बाहर? जब मैंने मना किया था तुझे निकलने, क्यों निकली, क्यों गई घर से बाहर तू? अबे तू किस तरह समझेगी, कब तक तेरे को समझाता रहूंगा, कोई टाइम होगा तेरा समझाने का? यही औरतें होती हैं जो अपने मर्दों को शेर बनाती हैं। अब क्या करे बेचारी? बेचारी कोई बेचारी बेचारी, बस बुजदिल है, बस इनको यही डर लगा रहता है कि इनके शौहर जो है वो इनको कहीं छोड़ ना दे। यही तो फिक्र है आपकी, अगर ये छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगी? क्यों निकली घर से बाहर, क्यों गई तू घर से बाहर? है ये लोग तमाशा कैसे देख रहे हैं, और ये क्यों खुद मजबूर बनी फिरती हैं? भाई तालीम अता करें, जाके अपनी नौकरियां करें, मर्दों के शाना बशाना भी तो चल सकती है, जरूरी है ऐसे ही पड़े? आप ही प्लीज मत जाओ, छोड़ दो उनकी मामी। ऐसे कैसे छोड़ दो, छोड़ दो तुम, आप ही मत जाओ, आप ही। अबे नहीं समझ रहे तेरे, कब तक नहीं आएगा समझ में, कब तक नहीं आएगा? आप हटे पीछे, और आप लोग शर्म नहीं आती है, कुछ कर नहीं सकते तो खड़े खड़े तमाशा तो ना देखें। बेहुदा लोग। लड़की छोड़ो इसे, जाओ यहाँ से, बीवी है मेरी। ये बीवी है तो क्या मतलब, जैसे चाहे जहाँ दिल चाहे मारोगे पीटोगे जलील करोगे, ऐसे रखा जाता है बीवी को? मेरी बीवी है, जैसे चाहे रखूं, तेरे को क्या जरूरत है हमारे मामले बोलने की? बीवी है तो बीवी की तरह रखो ना, कोई भेड़ बकरी तो नहीं कि जैसे चाहे जहाँ चाहे छोड़ दिया। और आप इतनी कमजोर नहीं है जितना अपने आपको समझती है, आपको पता है औरत पे हाथ उठाना कितना बड़ा क्राइम है? एक दफा चले मेरे साथ पुलिस में कंप्लेंट कराएं, फिर देखिएगा ऐसे मर्द कैसे सीधे होते हैं। ये हमारे घर का मामला है, तो अपना रास्ता ना। अगर घर का मामला था तो घर में ही हल करते ना, यहाँ बाजार में क्यों तमाशा लगा रहा है एक औरत को लेकर? आप चले मेरे से, अभी हम थाने जाएंगे, रिपोर्ट करवाएंगे, देखिएगा कैसे दिमाग ठिकाने आता है। नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ, रहने दो। बकवास बंद कर अपनी, तू छोड़ इसको नहीं तो तेरे साथ ही वो करूंगा। बात सुनो, क्या धमकियां दे रहे हो? मैं धमकियों में आने वाली नहीं हूँ, किसी से नहीं डरती, समझे? चले मैं तेरे बाप को बताऊंगा, फिर तेरे समझ में आएगा। हाँ हाँ जाओ जाओ, जिसको बताना है। तुम जैसे लोगों को तो मैं ठीक करूंगी, आप डरे नहीं, आए मेरे साथ। घटिया आदमी। अबे जाओ, क्या तमाशा देख रहे हो, मियां बीवी का झगड़ा है क्या? तमाशा को तमाशा लगा हुआ यहाँ पे, जाओ अपना काम करो। अम्मी
अम्मी अम्मी क्या हो गया, क्यों इस तरह होलती भी आ रही हो? वो आप ही, क्या हुआ आप ही को? अम्मी शेख साहब अपनी बीवी को मार रहे थे और आप ही उन्हें लेकर थाने चली गई हैं। या अल्लाह, ये लड़की एक दिन जरूर कोई गुल खिलाएगी, तंग आ गई हूँ मैं इसकी इन हरकतों से। अम्मी और वो शेख साहब अब्बू से शिकायत लगाने जा रहे हैं आप ही। अल्लाह क्या होगा? अम्मी मुझे भी बहुत डर लग रहा है, अब अब्बू क्या करेंगे आप ही के साथ? ये सारे लोग डरते हैं सिवाय इस लड़की के तुम्हारे बाप से। अम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें, रोए मत। सर जी, किससे मिलना है आपको? सर आपके पास आई थी, कंप्लेंट लिखवानी थी। ठीक है, अंदर आइए। तशरीफ रखिए। बताइए किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है आप लोगों? जी कंप्लेंट इनके शोहर के खिलाफ है। किस जुर्म में? जी इनको मारने पीटने के जुर्म। ये तो फिर इनका मसला है, ये रिपोर्ट तो ये लिखवाएंगी ना, आप क्यों लिखवा रही हैं? तो आप इनके नाम से रिपोर्ट लिखेंगे ना? हाँ बीबी, तो क्या आप अपने शौहर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार हैं? जी। बीवी आपको पता है ना कि रिपोर्ट लिखवाने के बाद आपका मियां आपको तलाक दे देगा और फिर घर से भी बाहर निकाल देगा, तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? इंस्पेक्टर साहब फिर रहने दें, मैं कहां जाऊंगी, मेरा तो कोई नहीं है इस दुनिया में। आप तो इन उल्टा डरा रहे हैं। देखिए मैं इनको डरा नहीं रहा, मैं इनको वो हकीकत बता रहा हूं। बाकी इनकी मर्जी है कि ये रिपोर्ट लिखवाना चाहेंगे ना। देखें, कानून औरत को तहफ्फुज़ फराहम करता है और आप उसे कमजोर कर रहे हैं। देखिए बीवी, इससे इनका घर तबाह भी तो हो सकता है, और कोई मर्द भी नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी थाने में जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए। फिर भी ये इस बात के लिए तैयार हैं तो ठीक है, हम रिपोर्ट लिख लेते। चाहे उसका मियां उसको मारे पीटे, उस पे तशद्दुद करे, फिर भी। देखिए बीवी, ये इनका आपसी मामला है। वैसे मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इनसे दूर ही रहें और हमें भी दूर रखें, प्लीज। हमारे पास और भी बहुत सारे काम हैं। हेलो जिशान, वो हाँ, जो हमने कल जो मुजरिम पकड़े थे उनकी फाइल लेकर आ जाओ। हाँ डीएसपी साहब के पास जाना लेकर। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई हाँ, वो फाइल भी लेकर आ जाओ। उनको खाना दे दिया मुजरिमों को? हाँ, उनको लॉकअप में बंद रखना, ठीक है? और उनके लिए कोई भी आए तो फिर मुझे बता देना, ठीक है? ओके। यार सीरियसली हद होती है, शायद बैठ तो बैठ। ये देख, ये किन लड़कियों की तस्वीरें देख रहा है? क्या हुआ, क्या होना क्या है, समझ नहीं आता क्या बनेगा आजकल की लड़कियों का। अरे कुछ नहीं बनेगा, वही बनेगा जो असारे कदीमा से बनता चला आ रहा है। नहीं शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले लड़कियों में हया होती थी मगर आजकल की लड़कियों में एहसास ही नहीं रहा। हुआ क्या है पता तो चले, कहानी क्या है? ये देख, ये देख, खुद फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट सेंड करती है, बात शुरू करती है, मिलने का कहती है, और लड़का थोड़ा सा भी फ्री हो जाए ना तो मी टू का केस थोप देती। चलो यानी कि तुम भी बस गए। Come on, never ever, इतना बेवकूफ समझा तुमने मुझे? माना कि लड़के बेवकूफ नहीं होते,
और उनको कोई शौक भी नहीं होता फंसने का। लेकिन इन लड़कियों की अदाएं, इनकी बातें, इनके जाल बड़े खतरनाक होते हैं यार। देख भाई, मैं उन लड़कों में से नहीं जो उनके जालों और अदाओं से फंस जाऊं। इतना हल्का ले लिया भाई को तूने यार। भाई तुम किन लड़कों में से हो फिर? लड़कियों को क्या सलाहियतें चाहिए तुम्हें फंसाने के लिए? सादगी, मासूमियत और शराफत। मगर आजकल की लड़कियों में ये बाकी नहीं रहा, सैडली। आपके ख्यालात तो बहुत ही ऊंचे हैं भाई। यानी कि ये बात तो तय है कि इस सदी में आपको कोई लड़की मिलने वाली ही नहीं है भाई। मेबी। बहुत गर्मी थी आज। आपी, अच्छा हुआ आप घर आ गए। राइबा, हो गए? घर ही आना था, और कहाँ जाना था मैंने? आपी, आप इतनी बहादुर कैसे हो गई? मेरी तो जान ही निकल गई थी वो झगड़ा देखकर। और आप हैं कि वक्त और हालात ने मुझे ऐसा बना दिया, वरना शायद मैं भी कह छोड़। आपी, आप सच में उनको तो आने ले गई थी? हाँ, मगर इन औरतों को कौन समझाए? इनको तो बस मजलूम बन के सारी जिंदगी गुजारने का शौक है और कुछ। ऊपर से ट्यूशन पे भी लेट पहुंची थी। कैसी रही आपकी नई ट्यूशन? हाँ, अच्छी थी। हेलो भाई, कुछ बोलोगे? या मुंह में जबान नहीं है या बोलने के काबिल? क्या हुआ आप ही? मैसेज कर रही हूँ। किसका मैसेज है? इसी को जिसका फोन आया था, जिसके मुंह में जबान नहीं है। अच्छा ये बताओ, अम्मी कहाँ गई हैं? वो बराबर में कुरान खानी थी, वहीं गई। खैर अच्छा, मैं सामान लेकर आई हूँ ना, तैयार हो जाओ, फिर खाना उसी वक्त ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। क्या कह रही हैं आप ही? किसका मैसेज है? उसी का। क्या लिखा है? साथ साथ लिख रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहीं देखा, उन्हें बहुत अच्छी लगी और मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। और क्या, उसने जो कहना था कह दिया, अब मैं इसे बताती हूँ। क्या मतलब आपी? सिर्फ दोस्ती का तो कहा है, कुछ गलत तो नहीं कहा उसने? आप मत करें दोस्ती। बिल्कुल, उसने जो सोचना है सोचे, लेकिन मुझसे बात करने से पहले भी एक दफा उसको सोच लेना चाहिए था। अब मैं इसे बताऊंगी, को पता लगेगा एमए किसी को टेक्स्ट करने से होता क्या है। आपी प्लीज, उसने आपसे कोई गलत बात नहीं की। अच्छा चले, पार्टी की तैयारी करते हैं। ठीक है, मैं बस अभी आई। चले। तुम्हारी हरकतें सुधरेंगी नहीं? क्या हो गया अम्मी? अब मैंने क्या कर दिया? ज्यादा मासूम नहीं बनो। तुम सब समझ रही हो कि मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? तुम्हें डर नहीं लगता ऐसी हरकतें करते हुए? अम्मी, क्या आपको भी यही लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? मेरे समझने या लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तुम सोचो कि शेख साहब तुम्हारे अब्बू से शिकायत करेंगे ना, तब सोचो क्या होगा। तो क्या भाई, घर आएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तब भी गुस्सा ना खत्म हुआ तो दो थप्पड़ मार देंगे, इससे ज्यादा और कर क्या सकते हैं वो। खुदा के लिए तुम इंसान बन जाओ, दूसरों के मसलों में मत कूदा करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं अपनी जिंदगी में, तुम और प्रॉब्लम मत करो मेरे लिए। अम्मी भाई, आप परेशान मत हो, मैं आपको बता रही हूँ मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा मूड तो ना खराब करें ना भाई, आज तो सुकून का दिन है, पार्टी करेंगे। आपके वो जेलर हस्बैंड जो चले गए यहाँ से, बुरी बात है, बाप है वो तुम्हारे। हाँ
भाई अब जाए ना, जाके तैयार हो, खाना भी मंगवाया है मैंने, मैं भी तैयार हो, तुम जाए जाए ना। अच्छा मैं भी तैयार होके आ रही हूँ और आपको नए कपड़े भी दिखाने हैं मैंने। अरे ये फजूल खर्ची किसने की है? अम्मी मैं क्या कर रही हूँ, ये तो आप ही ट्रीट दे रही हैं। ओफो मुझे तो इस लड़की ने परेशान करके रख दिया, हर दिन कुछ ना कुछ नया करने का शौक है इसको। ओ वाओ आप ही जबरदस्त। आप ही, आप तो बिल्कुल टीवी में आने वाली लड़की की तरह लग रही हैं। है देखना एक दिन तुम्हारी आप ही ना सचमुच टीवी में आएगी, तुम बस दुआ करो। ये क्या हुलिया बना रखी है तुमने? क्यों मी अच्छी नहीं लग रही? बात अच्छे लगने की नहीं है, हम जिस माशरे में रहते हैं ना वहाँ की लड़कियाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। अम्मी आजकल ऐसा ही चलता है, ऐसे कपड़े पहनना तो नॉर्मल सी बात है। देखो घर के हद तक तो ठीक है, लेकिन बाहर जाने का सोचना भी मत, तुम्हारा बाप जान से मार देगा तुम्हें भी और मुझे भी। अम्मी एक तो आप हर मौके पे अब्बू का नाम जरूर ले लेती हैं। बात सुनो आप ना, ये बच्चे घूनी मत किया करें। क्या बदतमीजी है, कैसे बोलती हो तुम अपने बाप के लिए? आप भी मुझे भी ऐसे कपड़े पहन रहे, मेरे लिए भी लेकर आओ ना। अरे मेरी जान मैं अपने लिए शॉपिंग करूंगी तो क्या अपनी बहन को भूलूंगी? तुम्हारे लिए भी कपड़े लेकर आई हूँ, इसी में ये बैग तुम्हारा है, जाओ जाके चेंज करके आओ। ठीक है मैं बस अभी आई। सिर्फ तैयारी होंगी या बर्गर भी लेके आएंगी? इधर आओ तुम। अम्मी छोड़े ना उसको। अरे बाबा खाना हम लेने नहीं जाएंगे, खाना खुद चलकर यहाँ आएगा, होम डिलीवरी करवाई है ना मैंने। थोड़ी देर में खाना आ रहा होगा, एक काम करो ना तुम भी एक और अच्छी सी शर्ट पहन लो, हम तीनों बहन भाई खूब तस्वीरें खिंचवाएंगे। ठीक है जाओ जल्दी से, जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। और आप यहाँ क्यों खड़े हैं? जाए ना आप भी जाकर तैयार हो जाए। अच्छा साहब मेरा दिमाग खराब नहीं कि मैं इस उम्र में तैयार हूँ जाकर। ऐसी कौन सी उम्र हो गई आपकी, आपकी उम्र की औरतें भी अच्छा खासा फैशन करती हैं। करती होंगी, मैं नहीं करूंगी कुछ भी। आज तो आप लाजमी करेंगी। चले अब उनके घर पे नहीं है, आपको मैं अपनी मर्जी से। अम्मी आ जाए। बहुत कोशिश करती हूँ मैं शहजाद को मनाने की शादी के लिए, पता नहीं वो लड़का किन ख्यालों में, मानता ही नहीं है। कोई परी उतरेगी उसके लिए तभी शादी के लिए मानेगा। अरे तुम अपना काम करती रहो ना, दिखाती रहो लड़कियाँ, क्या पता कोई उसके दिल को भा जाए। लेकिन अलमास मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या सोची हूँ? कि एक बच्चा गोद ले लेती हूँ इस तरह हमारे घर में। नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मियाँ किसी और के बच्चे को कबूल करेगा। लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना, मैं एक मरतबा खालिद से बात करके देखती हूँ। हाँ हाँ करके देखो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इस तरह किसी बेसहारा की मदद भी हो जाएगी। वैसे ऐसी सूरत में हर वक्त औरत के दिल में एक डर सा लगा रहता है, न जाने मर्द कब दूसरी शादी का तौक औरत के गले में डाल दे। अरे बहन इन मर्दों के दिमाग का कुछ पता नहीं होता, तुम समझ रही हो ना मेरी बात?
मैं समझी। क्या समझी? कि मैं नहीं आऊंगा? क्या समझी बेगैरत औरत, क्या समझी? नहीं नहीं, वो बच्चे। तुम लोगों ने क्या समझा हुआ था? क्या था तुम लोगों के जहन में? एक्सीडेंट हो गया, मर गया, क्या हुआ कि मैं नहीं आऊंगा और तुम लोग ये अय्याशियां कर रहे होगे? ये डांस क्लब, इसका मतलब ये है कि मेरी गैर मौजूदगी में यहां तुम लोग ये गुल खिलाते हो? अबू, अबू अम्मी को मत मारे। अम्मी का इसमें कोई कसूर नहीं, उनको कुछ नहीं पता। ये तो हम बच्चों ने, बहन भाइयों ने मिलकर किया है। इतनी जुर्रत, हमने प्लान किया था। जवान बच्ची हो तो जवान बच्ची इस तरह नाचेगी और तू इस तरह नाचेगी? अबू नहीं मारे, ये मेरी गलती थी, मैंने पार्टी को बोला था। नहीं मेरा बेटा, तेरी गलती कैसी है? तू तो बच्चा है। अरे ये तो गलती तेरी माँ की है, ये तो बच्ची नहीं है। इसे तो सोचना चाहिए था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अली 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 बेटा, लाए बाबी के साथ कमरे में जाओ, जाओ बेटा। नहीं अम्मी, मैं यहाँ आपको नहीं छोड़ के जाऊंगी। नहीं बेटा, जाओ उदा के लिए कमरे में चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चले चुप, जाओ बेटा, जाओ जाओ। ये करतूत है तेरे, ये करतूत है तेरे। तेरे साथ करता क्या हूँ तू देखती जा, ठीक है ना? ये तुम्हें, ये कोई क्लब है, डांस क्लब है, क्या है ये? नहीं नहीं, वो बच्चियों ने बस आज आज ही पहने हैं कपड़े। अब इसी तरह तुम लोग पहनती होगी, ओढ़ती होगी जब मैं नहीं होता हूँगा। आप भी, मुझे लग रहा है अभी तो शेख साहब ने कुछ बापू को बताया भी नहीं है। आपको तो इतना सा देख कर इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो बता दें, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। ये अय्याशी, वाह, मुझे दो दो तीन तीन महीने ऐसी चीजें खाने को नहीं मिलती और तुम लोग ठूस रहे हो। अय्याशियां हैं वो, तो मैं बेखबर रहता, लेकिन आज तुम लोगों के करतूत खुलकर सामने आ गए। ये तेरी बेटियां गुल खिलाती हैं यहां पे? अरे ऐसे कपड़े पहनती हैं शरीफ लड़कियां? बोल। आज ही पहले इन लोगों ने घर में ही कपड़े। आप ही बाहर वालों को रोककर क्या फायदा, जब आप घर वालों को नहीं रोक सकती? तो मैं इस घर में बेबस सिर्फ और सिर्फ अम्मी की वजह से हूँ। एक दफा अम्मी स्टैंड ले लेना तो ऐसा। अरे मेरे लिए तो तूने कभी इस तरह तैयारी नहीं की, इस तरह तो तूने कभी मेरे लिए तैयारी नहीं की। और क्यों नहीं की? बेगैरत, बेशर्म। मम्मी को मार देंगे, मुझे कुछ करना होगा। अभी नहीं, नहीं प्लीज मत जाए। अगर आप जाएंगी तो, अम्मी ने मना किया था, अब वो और गुस्सा होंगे, प्लीज मत जाए। अगर नहीं गई तो जान से मार देंगे वो अम्मी को। अगर जाओगी तो वो आपको भी मारेंगे। नहीं अभी नहीं जाओ, प्लीज नहीं जाओ। तो मार देना, एक ही दफा मार देना, क्यों रोज रोज मरने से तो बेहतर है। पता है इस तरह से तो कोई जानवरों के साथ सलूक नहीं करता जिस तरह ये अम्मी के साथ करते हैं। आप ही अब नहीं रोए, ये मेरी गलती है। अगर मैं पार्टी के लिए जिद नहीं करता तो ये नहीं होता। नहीं मेरी जान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद हमारे नसीब में ही खुशी नहीं लिखी। परेशान मत हो, हाँ। अरे नहीं भाई, नहीं, अरे नहीं यार, ये बहुत कम पैसे हैं भाई, बहुत कम है। अरे इतने में नहीं होगा यार, मैं कह दिया ना, मैंने नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ फिर सही है। ओके ओके खालिद,
एक बात कहूं? हाँ, बोल। वो मैं सोच रही थी कि अल्लाह खैर करे। ओ भाई, ये तुमने कब से काम शुरू कर दिया सोचने वाला? मजाक नहीं करे ना, मेरी बात तो सुन ले। चल बोल। हाँ बोल, क्या बोलती है? क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें? खबरदार, 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 जो आइंदा तुमने ये बात सोची, ये सोचना भी मत। लेकिन खालिद, इसमें बुराई क्या है? इतने लोग हैं जो ऐसा करते हैं। ओहो, असल में मैं तुम्हें हकीकत बताऊं, मुझे सिर्फ अपनी औलाद से ही मकसद है। किसी और की औलाद को पालने का मुझे शौक है नहीं। अच्छी जिद है भाई। भाई इसे जिद समझो या मेरी मर्जी? मेरी मर्जी है, मैं नहीं चाहता, दैट्स ऑल। खालिद, आप मेरी बात, उफ अल्लाह, भाई एक बार कह दिया कि ना तो ना, अब बार बार इस चीज को रिपीट मत करो ना। तुम समझती नहीं मेरी बात को? हाँ यार, तुम्हें पहले मैंने कहा भी है कि ये नहीं हो सकता, फिर दोबारा से बातें कर रहे हो तुम। आपी, क्या हुआ? आपी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तो भूल ही गई, तुमने कुछ नहीं कहा था ना, और तुम्हें भूख भी इतनी लग रही थी। सपना कुछ याद ही नहीं रहा मुझे। मैं अभी अपने प्यारे से अली के लिए कुछ खाने को लेकर आती, ठीक है? तुम्हें नहीं भूख लगी? तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? ये मुझे भूख, कुछ नहीं खाना मुझे। नायबा, हमें इन हालात का मुकाबला करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। कोई मुकाबला नहीं करना मुझे, मुझे कोई हिम्मत नहीं चाहिए। आप ऐसे मत कहो, इतनी जल्दी हार मत मानो। अभी तो हमें इतने सारे महाज से लड़ना है, और तुम्हें मैट्रिक के बाद पढ़ना नहीं है क्या? नहीं पढ़ना मुझे, हर वक्त खौफ की तलवार सर पर लटका कर कुछ नहीं करना मुझे। इतनी जल्दी हार मत मानो, ऐसे मत कहो। देखो मैं भी तो कर ही रही हूं ना। नहीं, आप ही आप जैसी हिम्मत, मैं नहीं कर सकती अम्मू का सामना। हमारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम लोगों ने क्या समझा हुआ था? क्या था तुम लोगों के जहन में? एक्सीडेंट हो गया, मर गया, क्या हुआ कि मैं नहीं आऊंगा? और तुम लोग ये अय्याशियां कर रहे होगे, ये डांस क्लब, इसका मतलब ये है कि मेरी गैर मौजूदगी में यहां तुम लोग ये गुल खिलाते हो। अबू, अबू अम्मी को मत मारे, अम्मी का इसमें कोई कसूर नहीं है, उनको कुछ नहीं पता। ये तो हम बच्चों ने, बहन भाइयों ने मिलकर किया है। इतनी जरूरत, हमने प्लान किया था। जवान बच्ची हो तो जवान बच्ची इस तरह नाचेगी और तू इस तरह नाचेगी। अम्मी, अम्मी,
मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से उन्होंने आपका यह हाल किया है ना। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से ना सही तो किसी और वजह से सही। मार खाना तो मेरा मुकद्दर बन गया है। अम्मी, ये आपका मुकद्दर नहीं था। खामोश रहकर उनकी सारी जायज और नाजायज बातें सुन सुनकर ना आपने इसको जबरदस्ती अपना नसीब बना लिया है। नहीं बेटा, मुझे अपने रब से कोई शिकायत नहीं है। दुआ करती हूँ खुदा से क्यों मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे कर दे, तो मैं समझूंगी मेरी सारे दुखों का मदावा हो गया। और अम्मी, मैं मुझसे तो आपकी ऐसी जिंदगी नहीं देखी जाती ना। बेटा, मेरी जिंदगी गुजर गई है और जो रह गई है वो भी गुजर जाएगी। तुम मेरी फिक्र मत करो, जाओ जाकर लाइबार वाली को कुछ खिला दो, तुम भी कुछ खा लेना। अम्मी, आपने भी तो कुछ नहीं खाया, आ जाएं हमारे साथ कुछ खा लें। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। अली को बहुत भूख लग रही होगी, उसे देख लो जाकर। अम्मी अम्मी अम्मी, आप मुझे लग रहा है आपकी तबीयत खराब है, दवाई लाऊं मैं आपके लिए? मैं ठीक हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, उठा के रख दो ये सब चीजें। मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आई मेरी जान, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ले आई, खाओ। लेकिन मैं तो गिर गया था, खराब हो गया था। नहीं मेरी जान, ये वाला खराब नहीं हुआ था, और मेरे अली का खाना तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। देखो, खुद देख लो, बिल्कुल ठीक है ना। मेरे बच्चे को बर्गर इतना पसंद है, भूख भी इतनी लग गया, खा लो प्लीज। मेरी खातिर खा लो, मेरी खातिर सिर्फ ये खा लो। हमारी छोटी छोटी खुशियों पर भी उनको इतना एतराज है, हमारी इतनी सी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। नफरत सी होने लगी है मुझे साथ में। साईं, मैं तो आपके उधर एक डेढ़ घंटा तो मैं वैसे ही खड़ा रहा हूं, ना आपका कोई बंदा ना कुछ, उधर धूप इतनी शदीद, मेरा तो वैसे ही दिमाग खराब हुआ हुआ है। बहरहाल मैंने वो देख लिया है, ठीक है, प्रोजेक्ट सही है, लेकिन मुझे खालिद भाई को बताना पड़ेगा कल। जी 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 जी, आप खुद ही बात कर लें। जी जी, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या ढूंढ रही है भाई? कुछ नहीं, मेरा सर ढूंढ रही है, उसमें सर रखा है मेरा, जिगर फेफड़ा रखा है जो तू ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है? नहीं, वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो बॉक्स ढूंढ रही थी दवाओं का। ड्रामे शुरू, ये 100 किस्तों तक चलेगा? अली कहाँ है? वो यशमिया के साथ सोएगा आज। अच्छा, मतलब तुम तीनों माँ बेटियों ने पक्का प्लान बना लिया है मेरे मासूम लखते जिगर बेटे को खराब करने का, है ना? इधर आ, इधर आ, इधर 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 आ जा, इधर 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 बैठ।
इधर बैठ 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 बैठ, पैर दबाओ। जरा सा भी ख्याल नहीं कि मैं थका आ रहा हूं। अच्छी चाल चली है तूने वैसे, आह तारीफ के काबिल। मेरी गैर मौजूदगी में जब मैं नहीं होता हूं, डांस करवाए जा रहे हैं मेरी बेटियों को, हैं जो मैं नहीं चाहता, जो कोई भी शरीफ बाप नहीं चाहता, वो तू करवा रही है, वो तू तरबियत दे रही है, है?